हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ विंटर स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ विद नॉर्मल प्लेन वाटर। आफ्टर दैट मैंने जो फ्रीजर में एलोवेरा को स्टोर करके रखा हुआ था, इसे मैं अपने पूरे फेस पे रब कर लेती हूँ। एलोवेरा क्यूब्स बनाने के लिए मैं फ्रेश एलोवेरा ले रही हूँ एंड आपको मार्केट वाला एलोवेरा नहीं लेना। एलोवेरा को वॉश करके कट कर लूंगी और उसे ग्राइंडर में डाल लूंगी और उसमें थोड़ा सा पानी एड करके उसे ग्राइंड कर लूंगी। देन मैं इस मिक्सचर को आइस ट्रे में डाल दूंगी एंड इसको 2 to 3 hours के लिए फ्रीज होने के लिए छोड़ दूंगी। मैं इसे सुबह सुबह अपने फेस पे रब करती हूँ ताकि मेरे फेस पे स्वेलिंग, पफिनेस रिमूव हो जाए एंड मेरे पोर्स भी क्लोज हो जाए। ये ट्रीट करता है एक्ने, एक्ने मार्क्स एंड सनबर्न को एंड ये मेरी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। एंड एलोवेरा हमारी स्किन को नरिशमेंट एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ ये आपके एक्ने के साइज को रिड्यूस करता है। मेरे फेस पे पिंपल हो गया है तो मैं एलोवेरा क्यूब को 5 to 6 seconds तक उस पर रब करूंगी ताकि उसका साइज कम हो जाए। आप एलोवेरा क्यूब को 4 to 5 minutes तक रब कर सकते हो। अब मैं बायोटिक का बायो पपाया 10 रिमूवल स्क्रब ले रही हूँ एंड सबसे पहले मैं अपने फेस को वेट करूंगी, देन थोड़ा सा लेकर अपने फेस पे स्प्रेड करूंगी एंड देन मसाज करूंगी जेंटल प्रेशर के साथ। मेरा ज्यादा फोकस मेरे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स पे रहेगा ताकि वो रिमूव हो जाए। एंड आपको जेंटल प्रेशर के साथ ही अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। पपाया 10 रिमूवल स्क्रब में माइल्ड ग्रेनुअल्स होते हैं जो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं होंगे। एनी ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। पपाया आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करता है एंड टैनिंग को रिमूव करता है एंड ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को फेड करता है। एंड आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है ताकि डेड स्किन निकल जाए। एंड मैं थोड़ा थोड़ा अपने हाथों को गीला करके स्क्रब करती रहूंगी। मैं अपने फेस को 4 to 5 minutes तक एक्सफोलिएट करूंगी, देन नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। मैं फेस पैक के लिए बायोटिक टी ट्री क्लियरिंग क्ले मास्क ले रही हूँ एंड इसकी थिक लेयर अप्लाई करूंगी। इसमें टी ट्री ऑयल है जो आपके फेस से ऑयल को कंट्रोल करता है एंड आपके फेस से गंक को रिमूव करता है एंड स्किन को फ्रेश बनाता है। ये हमारे फेस पे ऑयल नहीं आने देगा एंड पोर्स को मिनिमाइज रखेगा एंड स्किन को क्लियर बनाता है। ये फेस पैक नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। मैं इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद 15 to 20 minutes के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। 20 minutes के बाद मैं इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। आप इस फेस पैक को 2 times in a week अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी पे टैनिंग हो गई है तो उसके लिए मैंने बॉडी पैक बनाया है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 tablespoon बेसन, 1 tablespoon चंदन पाउडर एंड 1 tablespoon मिल्क और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूंगी। जहां पर भी आपको टैनिंग हो गई है आप उस पार्ट पे ये पैक को लगा सकते हो। आप चाहे तो इसे अपनी पूरी बॉडी पे लगा सकते हो। लगाने के बाद आपको इसे स्क्रब करना है एंड जेंटल प्रेशर के साथ आपको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है ताकि टैनिंग, डेड स्किन रिमूव हो जाए। बेसन टैनिंग एंड डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है एंड चंदन पाउडर कूलिंग इफेक्ट देता है। आपको स्क्रब 5 minutes तक ही करना है एंड देन 10 minutes के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। एंड जब आप रिमूव करोगे तब भी आपको स्क्रब करके ही रिमूव करना है। अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी। मॉइस्चराइजर के लिए मैं निविया का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। ये लाइट वेट मॉइस्चराइजर है एंड इसको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेके अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर दूंगी एंड देन मसाज करूंगी। आपको मॉइस्चराइजर को लगा के 5 to 10 minutes तक मसाज करनी होती है ताकि स्किन मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर सके। मसाज करने से फेस ग्लोइंग लगता है एंड ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाता है एंड रिंकल्स, फाइन लाइंस की अपीयरेंस रिड्यूस होने लगती है। ये मॉइस्चराइजर स्किन बैरियर को रिपेयर करता है एंड स्किन को क्लियर एंड ग्लोइंग एंड हाइड्रेट रखता है। मैं 5 to 10 minutes तक मसाज करूंगी। अब मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी। मैं न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शील्ड ड्राई टच सनब्लॉक विद SPF 50 ले रही हूँ एंड मैं इसकी थिक लेयर अप्लाई कर लूंगी।
चाहे आप घर पे हो या कहीं बाहर जा रहे हो, आपको हमेशा सनस्क्रीन लगानी चाहिए। आपको अपने नेक पे एंड हैंड्स पे भी अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि यही एरिया है जो बहुत जल्दी टैंड हो जाता है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो SPF 50 यूज करना, अगर आप घर पे हो तो SPF 30 यूज करना। इसको लगा गया 30 मिनट्स के बाद ही स्टेप आउट कीजिए। सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है हमें सनबर्न से, यूवी रेस से, एंड प्रिवेंट करता है रिंकल्स, फाइन लाइंस एंड सन टैन। विंटर्स में बॉडी बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, तो मैं एम कैफे इनका चोको बॉडी लोशन यूज कर रही हूँ। इसे मैं अपने हाथों पर लगा के मसाज करूंगी। नॉन स्टिक एंड क्विक अब्सॉर्बिंग इसका फॉर्मूला है एंड मॉइस्चर को लॉक कर देता है। ऑल ओवर डे आपकी बॉडी नरिश एंड सफल रहेगी एंड बॉडी को डीपली मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रखता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना।